नमस्कार, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, आज जीआईसी सिविक्स से जो लेक्चर्स है वो क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है और आज हम लोग देखेंगे पहला क्लास। तो पहला क्लास आप लोगों का जो टॉपिक है वो आप लोग जरूर देख लीजिए। अभी इसके पीछे जो आपको मैंने सिलेबस बताया था, सिलेबस ठीक है, तो सिलेबस आपको वहाँ पर भेज दिया गया है। आपका जो भी ग्रुप है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर सेंड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाइए और सिलेबस को निकाल करके करना क्या है, सबसे पहला काम कि आपको उसे सामने जो है दीवार पर चिपका लेना है, ठीक है। और वहाँ पर कंटिन्यू जो है बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज से आपको सिलेबस देखते जाना है। तो इसमें से जो पहला टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा राजनीति शास्त्र, ठीक है। राजनीति शास्त्र अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, तो इन चीज़ों पर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहले हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो राजनीति जो है उसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या है, पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स अब देखेंगे कि यूनानी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर राज्य, ठीक है। तो ये जो नगर राज्य है ये किसे, यूनानी भाषा से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे पहले ही लाइन में जो है अभी पीजीटी का क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। पीजीटी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था जो नगर राज्य है वो किस भाषा से बना है, तो यूनानी से, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखते जाएंगे तो पूरे जो नोट्स हैं, पूरे नोट्स में आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इसी पहले वाले ही क्लास में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि पीजीटी में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो नगर राज्य गार्नर महोदय आएंगे तो इनको भी ध्यान में रखना है। गार्नर महोदय ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किससे होता है, राज्य से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको कहीं पर नोट कर लेना है तुरंत। लीकाक महोदय आएंगे, लीकाक महोदय ने क्या कहा है कि राजनीति जो शास्त्र है वो सरकार का अध्ययन करता है। तो गिलक्राइस्ट महोदय, राज्य एवं सरकार का अध्ययन। और गार्नर महोदय ने क्या कहा कि प्रारंभ और अंत यहीं से होता है, और लिकाक महोदय ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, इन्हीं चीज़ों पर आपको ज्ञान है। तो ये 3 महोदय आ गए। अगला अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो है राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति। तो राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इसको विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग इसको कला कहते हैं, तो प्रकृति में वही चीज़ें हमें क्लियर करना है। तो राजनीतिक शास्त्र को हम विज्ञान और कला दोनों मान सकते हैं अथवा नहीं, इस पर जो है विद्वानों में निरंतर जो है विवाद ऑलरेडी चलता रहा है। तो अगर हम अरस्तु की बात करें तो जहाँ पर अरस्तु ने इस शास्त्र को क्या कहा है भाई, सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। अरस्तु ने क्या कहा है इसको, सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। वहीं जो बकल महोदय हैं, कामटे महोदय हैं, मेटलैंड महोदय हैं, इन सब ने इसे विज्ञान मानने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, अभी हाल ही में जब वीजीटी का हुआ है, दूसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको मिल गया इसी जो है पहले ही लेक्चर में कि कौन विद्वान जो है राजनीति को विज्ञान मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला, ठीक है। चलिए, बक्कल महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, कलाओं में भी पिछड़ी कला है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पीजीटी में पूछा गया था। तो अभी तक हम लोगों ने इसी लेक्चर में ही 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है कॉन्फ्राइज किया गया है, ये नोट्स आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो मेटलैंड महोदय हैं उन्होंने लिखा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अधीन एक अच्छे परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर, पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था कि कौन जो है इसको विज्ञान मानता है कौन नहीं मानता है। तो ये अगर ये आप याद रखेंगे तो अगला नंबर हो सकता है आ जाए। गेटिल ने क्या लिखा है कि जो राजनीति की कला है, राजनीति की कला का उद्देश्य मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण करना है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु जो राजनीतिक जीवन है उसका उद्देश्य मात्र दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती है। जैसा कि अरस्तु महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य का जन्म दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, परंतु इसका जो अस्तित्व है वो एक अच्छे जीवन के लिए कायम रहता है, ठीक है। चलो, तो ये भी आपके पीजीटी एग्जाम में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसी एक ही लेक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन आपको मिल गए जो कि हाल ही में पीजीटी में पूछे गए थे। तो जो राज्य होता है वो क्या होता है भाई, एक अच्छे जीवन के लिए ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका जन्म होता है और एक अच्छे जीवन के लिए यानी सद्गुण के लिए ये बना रहता है। तो अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तुओं को सम्मिलित करता है कौन, आधुनिक दृष्टिकोण, किसके किसके, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करता है और सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का भी ये
अध्ययन यहाँ पर करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो था हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राजनीति शास्त्र, इसका अर्थ, इसका परिभाषा और इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये लेक्चर था, और इसी लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि भाई VGT के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन जो है फंसाए हैं। ठीक है, तो कितना जो है आपको ये मानना चाहिए कि कितना जो है ये इंपॉर्टेंट और कितना महत्व जो है आपका नोट्स है या आपका टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए।